आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय, मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना, नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं अनुजा पाटिल, स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ. शुरुआत में एक नजर आज की सुर्खियों पर. चंद्रयान के रोवर का समापन, नगर क्षेत्र में टीईटी परीक्षा सुचारू. शिमोगा के एक स्कूल में मुस्लिम छात्रों पर आपत्तिजनक टिप्पणी. अस्तित्वहीन झील पर लाखों की लागत. कर्नाटक के निवासियों ने इचलकरंजी में परियोजना का विरोध किया. दिसंबर से शुरू होगा रिंग रोड का काम. और अब समाचार विस्तार से. चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो समय समय पर महत्वपूर्ण अपडेट्स प्रदान करता रहा है. इसरो ने अब तक चंद्रमा पर तापमान से लेकर रोवर के प्रक्षेप पथ तक हर चीज की जानकारी प्रदान की है. अब इसरो ने इस मिशन को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. इसरो ने रविवार को ट्वीट किया कि रोवर ने उसे सौंपा गया काम पूरा कर लिया है. चंद्रयान 3 मिशन के बारे में जानकारी देते हुए इसरो ने कहा, रोवर ने उसे सौंपा गया काम पूरा कर लिया है. अब यह सुरक्षित रूप से पार्क कर दिया गया है और इसका स्लीप मोड सक्रिय हो गया है. इन पेलोड से डेटा लैंडर द्वारा पृथ्वी पर वापस भेजा जाता है, इसकी घोषणा भी हो चुकी है. नगर क्षेत्र में टीईटी परीक्षा सुचारू. शहर और आसपास के क्षेत्रों में शिक्षक योग्यता के लिए टीईटी परीक्षा हाल ही में रविवार को आयोजित की गई थी. इसके चलते इस परीक्षा से भावी शिक्षकों का भविष्य तय होगा. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव ने कर्नाटक शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए थे. तदनुसार रविवार को बेलगाम और चिकोड़ी शैक्षणिक जिले के कई केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई. बेलगाम में 21 परीक्षा केंद्रों पर 5527 छात्र और चिकोड़ी में 26 केंद्रों पर 6587 छात्र थे. परीक्षा के दौरान कदाचार से बचने के लिए समुचित व्यवस्था की गई थी. आसपास पुलिस सुरक्षा भी तैनात रही. परीक्षा केंद्र के हर कमरे में वीडियो शूटिंग की व्यवस्था की गई थी. शिमोगा के एक स्कूल में मुस्लिम छात्रों पर आपत्तिजनक टिप्पणी. उत्तर प्रदेश दिल्ली के बाद अब कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय के 2 छात्रों को उनके शिक्षक ने डांटा. इस बीच यह भी जानकारी सामने आई है कि इस शिक्षक का तबादला कर दिया गया है. कर्नाटक के शिमोगा के टीपू नगर सरकारी स्कूल में कन्नड़ भाषा की शिक्षिका मंजुला देवी ने 5वीं कक्षा के 2 छात्रों पर जातिवाद टिप्पणी की. ये छात्र क्लास में झगड़ा कर रहे थे, इससे मंजुला देवी परेशान थी. तो तुम पाकिस्तान जाओ, यह हिंदुओं का देश है, ऐसा उन्होंने कहा. इस बीच छात्र स्कूल से घर लौट आए. उन्होंने घटना अपने माता पिता को बताई. उन्होंने उसकी जानकारी स्थानीय नेताओं को दी. छात्रों की शिकायत पर शिमोगा जेडीएस नेता ए नजुल्ला, इन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. उनकी शिकायत के मुताबिक टीचर के खिलाफ कार्रवाई की गई है. कर्नाटक के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के शिक्षक का तबादला कर दिया है. हालांकि टीचर ने इस आरोप से इनकार कर दिया है. अस्तित्वहीन झील पर लाखों की लागत. सामाजिक कार्यकर्ता ज्योतिबा बेंडीगेरी ने लोकायुक्त से शिकायत की है कि बुरुन की ग्राम पंचायत ने खानापुर तालुका में गैर मौजूद झील का काम दिखाकर धन का गबन किया है, ऐसा बेंडीगेरी ने कहा. मामले की गहन जांच और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए. इसके लिए कर्नाटक लोकायुक्त कार्यालय बेलगाम में शिकायत दर्ज की गई है. कर्नाटक के निवासियों ने इचलकरंजी में परियोजना का विरोध किया.
इचलकरंजी में पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिए पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र सरकार ने दूधगंगा नदी से सुलकुड बैराज से पानी की आपूर्ति करने का प्रस्ताव दिया है। कर्नाटक के सीमावर्ती किसानों द्वारा इसका कड़ा विरोध किया जा रहा है। गांव के सदस्य प्रमोद कुमार पाटिल ने कहा कि सुलकुड जल आपूर्ति परियोजना का विरोध करने वाली दूधगंगा संरक्षण समिति को पूर्ण समर्थन देने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। यूकि इचलकरंजी में कई उद्योग है, दूषित पानी नदी में छोड़ा जाता है। सुतकुल बैराज से जल आपूर्ति परियोजना शुरू की गई है, जिसे राज्य में दूधगंगा नदी के किनारे बसे गांवों और किसानों पर भारी असर पड़ेगा, ऐसा उन्होंने इस समय कहा। दिसंबर से शुरू होगा रिंग रोड का काम। बेलगाम तालुका के विभिन्न गांवों से दिसंबर से रिंग रोड का काम शुरू हो जाता है, यह जानकारी राष्ट्रीय हाईवे अथॉरिटी के ओर से दी गई है। कुछ महीनों से रिंग रोड का काम चल रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग शुरू करने का प्रयास प्राधिकरण द्वारा इसकी शुरुआत कर दी गई है। विभिन्न गाँव रिंग रोड के विरोध में है। किसानों की ओर से भी आपत्तियां दर्ज कराई गई। रिंग रोड के लिए पहली बार टेंडर प्रक्रिया को चरणों में पूरा करने में आ गया है। जमीन अधिग्रहण के लिए सर्वे का काम नासिक की एक कंपनी को दिया गया है। किसानों का अधिकारियों के प्रति विरोध सामना करना होगा कुछ दिनों के लिए। रिंग रोड पर विरोध में हाईकोर्ट में याचिका किसानों ने दाखिल खारिज की तैयारी कर ली गई है। अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जड़े दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया, रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिल मिल जाए हर पल होंगी सुहानी, ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना, आराधना मारुति गली बेलगाम, मन भाए आराधना। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बेलगाम तालुका में मानसून शकरगंध की खरीदी का मौसम शुरू हो गया है। शकरगंध की मलकापुर किस्म की कीमत 2500 रुपए प्रति क्विंटल थी। ज्वारी शकरगंध की कीमत 1500 रुपए है। एपीएमसी में सरोली यहां से ईश्वर पाटिल और बेलगुंदी से अर्जुन चौगले के शकरगंध को यह रेट मिला। शकरकंद व्यापारी दत्ता पाटिल ने शकरकंद उत्पादकों का चाबुक बांधकर स्वागत किया। इसके बाद शकरकंद की पूजा की गई। शकरकंद व्यापारी संजय खुराटे, प्रकाश मेलगे, सोमनाथ बोंद्रे, मावलू पाटिल और अन्य कर्मचारी इस समय उपस्थित थे। अलमाटी जलाशय की ऊंचाई बढ़ाएगा कृष्णा अपर परियोजना के तीसरे चरण की कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने पहल की है। सिद्धरामैया ने कहा, अलमट्टी वह जलाशय में गंगा पूजन करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा, बहुत सारे वर्ष से एक तिहाई लंबित है। चरणबद्ध परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का बजट आवश्यक है, तो इस संबंध में केंद्र को एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री और जल संसाधन मंत्री से मिलकर मांग रखेगा, ऐसा उन्होंने इस समय कहा। कंगराल गली में गणेश मंडप का मुहूर्त मेधा पूजन। कंगराल गली में भगवान गणेश मंडप का मुहूर्त मेधा पूजन हाल ही में किया गया था। कंगराल गली में सभी पंचमंडल पूर्व यह कार्यक्रम अनिल बेन के मंडल के पदाधिकारियों और गली के नागरिकों की उपस्थिति में हुआ। पूर्व आमदार अनिल बेन के पंचमंडल मालोजी अष्टेकर, शंकर बड़वाना से बाबूराव कुटरे, गोपाल सामरेकर, अशोक कंगरालकर, अनंत पाटिल, दौलत मोरे, प्रकाश पाटिल आदि इस समय मौजूद थे। भाजपा राज्य रायत मोर्चा का धरना 8 को। राज्य सरकार की किसान विरोधी नीति के खिलाफ भाजपा राज्य रायत मोर्चा की ओर से शुक्रवार को धरना दिया गया। 8 तारीख को आंदोलन किया जाएगा, यह जानकारी भाजपा प्रदेश रायत मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य इरन्ना कडाड़ी और पूर्व विधायक अनिल बेनके ने दी। वह शनिवार को यह कन्नड़ साहित्य भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। राज्य में सूखे की स्थिति ने गंभीर समस्या पैदा कर दी है। राज्य सरकार के पिछले 100 दिनों में प्रदेश में 42 किसानों ने आत्महत्या की है। राज्य सरकार केवल अपनी गारंटी योजनाओं
के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित कर रही है और राज्य में किसानों की गंभीर समस्याओं को नजरअंदाज कर दिया है। उन्होंने यह आरोप इस समय लगाया। जय किसान नोटिस पर कोर्ट की रोक। हाईकोर्ट की धारवाड़ खंडपीठ ने नगर निगम द्वारा जय किसान सब्जी मार्केट को जारी किए गए नोटिस पर रोक लगा दी है, तो अब इस पर नगर निगम को नोटिस सुनवाई नहीं हो सकती। नगर निगम द्वारा 7 सितंबर को दिए गए नोटिस पर वहां सुनवाई होने वाली थी। अदालत का नोटिस नगर निगम को मिल गया है, यह जानकारी सूत्रों से मिली है। अब इस रोक को हटाना है, नगर निगम को प्रयास करना होगा। 16 अगस्त को सब्जी मंडी नोटिस शामिल कराया गया। 24 अगस्त को पहले नोटिस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन उस दिन नगर आयुक्त छुट्टी पर है, इसलिए सुनवाई स्थगित कर दी गई है। परिवहन निगम द्वारा ऑनलाइन टिकट सेवा। बस यात्रा को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए और कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देना, उत्तर पश्चिम कर्नाटक मार्ग देना, परिवहन निगम द्वारा बस में UPI के माध्यम से टिकट प्रणाली शुरू कर दी गई है। वर्तमान में हुबली में पायलट आधार पर ऑनलाइन भुगतान प्रणाली का शुभारम्भ, इस पर प्रतिक्रिया आ रही है। प्राप्ति के बाद राज्य में अन्य परिवहन निगम में भी ऑनलाइन व्यवस्था सेवा चालू रहेगी, इसलिए यात्रियों की छुट्टे पैसे की समस्या दूर हो जाएगी और यात्रा करना सुविधाजनक रहेगा। परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक भरत एस श्रीमान के मार्गदर्शन में यह शुभारंभ किया गया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पर समाप्त हुए। धन्यवाद।